एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रेशमास टेस्टिकुड़ी चैनल में। और आज हम केक का जो रेड वेलवेट क्रीम मिक्स होता है उससे बनाने वाले हैं ब्रूकीज। ये ब्रूकीज बाहर से क्रिस्पी होती है और अंदर से एकदम सॉफ्ट होती है, बहुत ही टेस्टी ऐसी बन के तैयार होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी, और इसे हम बेक करने वाले हैं इडली के कुकर में। ओवन में लो टेम्परेचर पर रखने के बाद इसके बिस्किट भी तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने इडली का कुकर गैस के ऊपर रखा है। बाउल में मैंने लिया है 100 ग्राम इतना बटर। बटर रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इसे हमें इलेक्ट्रिक मीटर से बीट करना है करीब 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद ना देखिए यहाँ पर मैंने नमक भी डाला है इडली के कुकर में, ऊपर से रख दिया है ढक्कन। अब हमें बटर में डालने हैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर मैंने लिया है केक प्रीमिक्स और यह है 185 ग्राम इतना रेड वेलवेट प्रीमिक्स। उसके साथ मैंने मैदा डाला है 65 ग्राम इतना, और इसे हमें स्पैचुला से मिक्स करना है, हाथों से मिक्स करना है। अगर आपको लगे कि आपका डो ना कुकीज़ बनाने जैसा नहीं है, तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून इतना दूध भी डाल सकते हो। बैटर को हमें फ्रिज में रखना है आधे घंटे के लिए। और यहाँ पर देखिए इडली की जो टीन होते हैं ना, मतलब जो प्लेट्स होती है, उन्हें हमें घी लगाना है, या फिर आप इसके ऊपर ना बटर पेपर भी रख सकते हो, लेकिन उसे अच्छे सा शेप भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे, हम सिर्फ घी स्प्रेड करेंगे। तो कुकीज़ का जो डो है वो मैंने निकाल दिया है, और उसके मैंने 12 गोले बना दिए हैं। आपको जितने साइज़ के चाहिए आप उतने साइज़ के इसे छोटे मोटे बना सकते हो, लेकिन इडली स्टैंड में ये ज़्यादा बड़े मत बनाइएगा। ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट से इसे डेकोरेट किया है, आप चाहो तो चोको चिप्स भी लगा सकते हो। अब इसे हमें रखना है इडली के कुकर में, और इसे करीब आपको आधा घंटे से भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। नीचे की जो प्लेट होती है ना, वो जल्दी से बेक होके तैयार होती है, तो आपको नीचे की प्लेट निकालनी है, फिर से बाद में ऊपर वाली प्लेट आपको रख देनी है। तो देखिए यहाँ पर ये ना ब्रूकीज बन के तैयार है, जो नीचे वाली प्लेट है। अब ऊपर की जो प्लेट है ना, वो मैंने फिर से रख दी थी, तो थोड़े मिनट के बाद ऊपर की प्लेट भी तैयार हो गई है। अब इन्हें हमें ठंडा करना है, ठंडा होने के बाद आप इसे आराम से निकाल सकते हो। तो हमेशा कुकीज़ हो, बिस्किट हो, केक हो, ठंडा होने के बाद इसे खाइएगा तो वो टेस्टी लगता है। मैंने जाली के ऊपर रखा था ठंडा होने के लिए, आप इसकी आवाज़ सुनिएगा। तो ये बाहर से हल्का सा क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट ऐसी ये ब्रूकीज़ बनके तैयार है। इस देव दिवाली पर या फिर कोई भी फेस्टिवल पर, या फिर किसी को गिफ्ट देने के लिए, घर में खाने के लिए आप इस तरह की ब्रूकीज़ ज़रूर बनाइएगा। बच्चों को भी आप इसे टिफिन में दे सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।